जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना है और काफी प्रसिद्ध भी है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है और साथ ही त्योहारों को मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। इंडिपेंडेंस डे पर पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पतंगों से भर जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पतंग आई कहां से, किसने इसे सबसे पहले उड़ाया इत्यादि, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इन सभी के बारे में। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग, जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था, उसको पतंग का घर कहा जाता है। एक माइथोलॉजी से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई थी। एक और मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन फिलोसोफर मोजी और ल्यू बैन गोंगशू बैन ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बैम्बू और सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था पतंगों को बनाने के लिए। 549 एडी से कागजों की पतंग को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एंशियंट एंड मिडिवल चाइनीज सोर्सेज में डिस्क्राइब्ड है कि पतंगों को मेजरिंग, टेस्टिंग, एयर सेंडिंग सिग्नल्स और कम्युनिकेटिंग मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले चीनी पतंग फ्लैट हुआ करती थी, फिर बाद में पतंगों को माइथोलॉजिकल फॉर्म्स एंड माइथोलॉजिकल फिगर्स से सजाया जाने लगा था और कुछ में स्ट्रिंग्स और सीटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ते वक्त संगीत सुनाई दे। भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री एफ हीन और ह्यूनसांग पतंग को भारत में लाए थे। ये टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता था। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ विशेष त्योहार और वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी होती है। अब आपको इस वीडियो को देख के पता चल ही गया होगा कि पतंग उड़ाने की शुरुआत कब से और कैसे हुई, किसने इसका आविष्कार किया था, भारत में ये कैसे आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोशी.com।